हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज शामी कबाब, जो आपको बहुत पसंद आएगी। पिछली वीडियो में मैंने एक डिश बनाई थी तरोई के साथ, उसी का छिलका पील करके साफ़ करके रखा था, उसी को यूज़ करके मैं शामी कबाब बनाने जा रही हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये है तरोई का छिलका जिसे हमने साफ़ करके रख लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स है जिसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। ये खड़े मसाले हैं, एक कप चने की दाल, 4 से 5 तरोई के छिलके, प्याज, हरी धनिया और हरी मिर्च। पहले कुकर में हम चने की दाल को ऐड करेंगे, उसके बाद तरोई के छिलके को ऐड करेंगे। अच्छे से क्लीन कर लिया है हमने इसे, उसके बाद ये खड़े मसाले को ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे, इसे हम प्रेशर कुक करेंगे 4 से 5 सीटी तक। अब इसे चेक करते हैं, ये कुक होके रेडी हो चुकी है। देखिए दाल अच्छी तरह गल चुकी है। इसमें से हम तेज पत्ते को सेपरेट कर देंगे और इसे हम मिक्सर के जार में डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट तैयार होके रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। कबाब का बैटर रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, हरी धनिया और हरी मिर्च। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। इसी तरह की मज़ेदार डिशेस के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करें। टिक्की बनकर रेडी है। अब हम इसे तवे पे फ्राई करेंगे। टिक्की बनकर रेडी है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे हम हरी चटनी और पूड़ी के साथ सर्व करेंगे।
प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।